हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मस्त देसी तरीके से आलू बैंगन पालक की सब्जी की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मेरे साथ अब बनाते हैं आलू बैंगन पालक बिल्कुल देसी तरीके से। कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 5 फोरन, ये सौंफ, जीरा, राई और जो कलौंजी आती है वो, और मेथी, इन 5 चीज़ों को मिला के बनता है। तो 1 छोटे चम्मच मैंने डाला है 5 फोरन। जैसे वो भुन गया उसमें मैंने कटे हुए लहसुन डाल दिए। लहसुन थोड़े ज़्यादा डालने हैं और मैंने डाला 1 चिटकी हींग का इसमें। जैसे ये सारी चीज़ें पक जाएंगी इसमें आलू और बैंगन डाल देंगे। बैंगन से थोड़ा सा गैस बनती है, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है ये, तो इसलिए इसमें लहसुन और हींग कंपलसरी होता है, जिससे कि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और दूसरी कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ताजे कटे हुए बिल्कुल पालक, फ्रेश पालक हैं ये। इनको अच्छे से पूरा जितना है सारा डाल देना है। कढ़ाई पूरी भर चुकी है बट टेंशन मत लीजिए, पालक पूरे गल जाएंगे। ये पानी छोड़ देते हैं, पूरे गल जाते हैं। ऊपर से डाला है मैंने नमक, नमक पालक को गलने में हेल्प करेगा। और अब इसको मैं ढक के लो फ्लेम पे पकने दूंगी 2 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और सब्जी देखिए, ये देखिए एक भरी हुई कढ़ाई की सब्जी आधी कढ़ाई हो चुकी है। पालक भी गल चुके हैं और साथ ही साथ बैंगन भी गल गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऊपर से बिल्कुल नहीं डाला था, सब्जियों का ही पानी है इसमें। इसको अच्छे से चला दिया है मैंने और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने से हल्का सा टैंगी सा फ्लेवर आता है इसमें। हल्दी डाल दी मैंने 1 छोटे चम्मच, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला और लाल मिर्च 1 छोटे चम्मच। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है सब्जी के साथ और मिक्स करने के बाद इसको मैं वापस ढक दूंगी और इसे पकने दूंगी 4 मिनट के लिए। यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए ये ग्रेवी वाली सब्जी हुई है, थोड़ी सी ग्रेवी है इसमें। आपको अगर सूखी पसंद है तो गैस का फ्लेम तेज करके पानी सुखा सकते हैं। मुझे ऐसी सब्जी पसंद आती है, पूरी और चावल के साथ ये इतनी टेस्टी लगती है। अब इसमें मैंने ऊपर से डाला 1 छोटे चम्मच देसी घी का, देसी घी इसका स्वाद डबल कर देगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। गाँव में ये सब्जी खूब बनती थी हम लोगों के, बड़े मज़े से खाते थे हम लोग। और आज इस सब्जी के साथ हम लोग खाने वाले हैं चावल और साथ में मैंने थोड़ा टमाटर और प्याज काट लिया है। बिल्कुल गांव की याद ताज़ा हो रही है। देसी तरीके से इंजॉय करिए।